देखेंगे कि गाड़ी का क्या क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और भाई थोड़ी देर पहले ही आते वक्त मेरा हेलमेट आया था, तो मैं उसको अभी अनबॉक्स किया नहीं हूँ, आके अनबॉक्स करेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो आने के बाद ही हम लोग उसको अनबॉक्स करेंगे एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार कैसा हेलमेट आया है। गाइस अभी हम लोग किट का छक है और इधर भाई बहुत ही भीड़ रहता है, हमेशा ही भीड़ रहता है इस रोड में। और भाई इतना भीड़ ज़्यादा है कि यार हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, जल्दी पहुँचना है हम लोग को, ताकि यार वरना 2 बज जाएगा तो यार सब लोग उधर चले जाएंगे खाने के लिए, खाने का टाइम हो जाएगा उन लोग का, तो भाई फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा उधर, और भी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा उनके लिए। और 3 बजे तो आएंगे उन लोग खा पी के, जो भी हो एक इंसान को खाने में तो यार 1 घंटा तो लगता ही है। और भाई देख लो कितना यार भीड़ है इधर। भाई अभी हम लोग पेटीएम स्टोर पहुँच गए हैं और भाई उसका मैं कवर भी लाया हूँ, क्योंकि यार ढक के रखना पड़ेगा इधर, वरना यार स्क्रैच वैच हो जा सकता है, तो भाई मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो भाई उसका कवर भी पहले निकाल देते हैं डिक्की से। अभी उन लोग पूरा एकदम खोल चुके हैं मैडम को, जैसे कि आप देखे, हाँ तो वो पूरा एकदम खुल गया है और भाई वो कुछ और ही लग रहा है अभी दिखने में। एंड भाई वो अभी इंजन का उसका काम हो रहा है थोड़ा बहुत, हम सोच रहे हैं ये वाला गाड़ी ले। और भाई इधर देखो एक तो एडवेंचर कितना 390 है, और भाई 390 पूरा मस्त लग रहा है दिखने में, सेक्सी पीस है यार, तो आपको लद्दाख नहीं जी मजा जी। उसका पार्ट्स वर्ट कुछ आया नहीं है तो इसलिए यार थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, तो बोले कि 2-3 दिन बाद पार्ट्स आएगा, उसके बाद काम चालू होगा, तो मिनिमम वही 15 डेज हम लोग पकड़ के रखते हैं, तब तक यार काम हो जाएगा, फिर उसके बाद आएंगे लेके जाएंगे, बूम बाम करेंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं KTM शोरूम से और अभी हम लोग को जाना है एक तो कार देखने के लिए, प्रतीक एक तो कार खरीदेगा तो ही हम लोग यार ट्रिप में एक तो जाएंगे सोच रहे हैं, देखते हैं यार कार अगर लेंगे हम लोग 2-3 दिन में अगर कार आ गया तो यार फटाफट से तो ट्रिप प्लानिंग होगा और हम लोग निकल पड़ेंगे। तो गाइज चलते हैं अभी कार देखने के लिए। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए हैं ट्रू वैल्यू और इधर से देखते हैं यार कौन सा गाड़ी अच्छा अपने बजट में है, तो उसी हिसाब से खरीदेंगे। और गाइस इधर अभी ये 2 स्विफ्ट है और इधर और एक ये वाला सियाज है और ये अपना रहा और एक और ये ब्रेजा है, तो तुम मस्त दिख रहा है। लेकिन भाई ये रहा एस्क्रॉस टाइप का गाड़ी है इधर, और भाई उधर और भी एक तो रेड कलर का ब्रेजा खड़ा हुआ है। तो गाइस अभी अंदर चलते हैं, बातचीत करेंगे हम लोग। सो गाइस आई एम हियर एट होम नाउ एंड भाई हम लोग अभी पहुंच गए हैं और भाई उधर कार का सब कुछ बात बात करके हम लोग आए और वो बोले कि यार वेनसडे वो एक कार दिखाएंगे, तो भाई वेनसडे हम लोग जाएंगे कार देखने के लिए कैसा है क्या है, तो भाई उसके बाद ही जाके डिसाइड करेंगे। तो भाई वेनसडे जाके ही हम लोग फाइनल डिसाइड करेंगे, वो गाड़ी का कंडीशन वंडीशन देख के तो हम लोग वो सब डिसाइड करेंगे लेना है या नहीं है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी आया हूँ मैं घर में, तो भाई ये पागल हो गया है पागल जैसा हो रहा है टाइसन, खा लिया है बदमाशी करने का जोश, खाली और कुछ नहीं, देखो खाली बदमाशी चलेगा अभी इसको, खाली बदमाशी भाई, बदमाश क्या हो रहा है, सेट नो 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 सेट 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 वेरी गुड, टेक नमस्कार टाइसन, ओ वेरी गुड वेरी गुड,
सो गाइस ये सब चीज वो करता ही रहता है। तो भाई इसको मैं बहुत ही छोटे से ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये सब करने के लिए, तो भाई ये ऑलरेडी सीख गया है थोड़ा बहुत। एंड गाइस यार बहुत ही अच्छा लगता है जब यार आपका डॉग आपका बात मानता है। अभी गाइस अपना हेलमेट आ गया है और भाई हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं फटाफट से। एंड गाइस यार मेरा रूम थोड़ा बहुत यार गंदा है, तो भाई माइंड मत करना क्योंकि यार बहुत ही यार एक्सट्रीम आलसी हूँ मैं। तो गाइस लेट्स अनबॉक्स इट। अरे भाई व्हाट इज दिस स्कैम यार, भाई मेरा दिमाग गरम हो गया ब्रो। भाई ये क्या है? ओ भाई भाई स्कैम देख रहे हो भाई? ओ शिट, अभी भाई पूरा एकदम देना पड़ेगा यार उन लोग का अच्छे से, यार गाली वाली दूंगा मैं एकदम अच्छे से। चूती है ब्रो भाई ऐसे कौन स्कैम करता है यार। 500 रुपए का हेलमेट भाई, 6,500 रुपए दिया हूँ मैं। सर का हेलमेट मंगवाया था, ये भाई आया है स्टार्ट का। वाओ अमेज़न, वाओ इट्स वेरी नाइस ब्रो, नाइस डिलीवरी। और भाई सच बोल रहा हूँ ना यार, ऐसा स्कैम यार लाइफ में मेरे साथ कभी नहीं हुआ था यार, फर्स्ट टाइम यार ऐसा स्कैम हुआ है। एंड भाई मेरे को जो ही गुस्सा आ रहा है ना भाई, आई कैन टेल यू गाइज, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। और गाइस अगर वो रिफंड करने में यार अभी तकलीफ करेगा ना तो भाई अल्टीमेट यार। इसलिए भाई ये बैग वैग भी दिया है, देखो भाई वेगास का बैग है, हाँ स्टर्ड का हेलमेट है, सब ब्रांड डाल दो एक बॉक्स के अंदर, हर ब्रांड डाल दो ठीक है ना। मैं सोचा था कि यार हेलमेट आ जाएगा तो यार बहुत ही अच्छा होगा, मैं उसको सेटअप करके यार अच्छा मोटो व्लॉगिंग का ऑडियो, बट यार स्कैम 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 हो रहा है भाई हर जगह, अमेजोन में भी यार स्कैम, हर जगह में यार स्कैम चल रहा है। अभी मैं ऑर्डर रिप्लेस कर दिया हूँ ऑलरेडी, और मैं अमेजोन पे बैलेंस में वो रिफंड ले लिया हूँ। देखते हैं और एक बार मैं ऑर्डर करूँगा उधर से ही, अमेजोन से ही और एक बार ऑर्डर करूँगा, देखते हैं कैसा आ रहा है फिर से। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, यार मेरा मूड पूरा फालतू हो गया, बेकार हो गया एकदम ठीक है ना। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, साइनिंग ऑफ ट्रैवल बॉय, बाय बाय। डिलीवरी वाला आ गया है नीचे और अभी मैं लेके जा रहा हूँ इसको देने के लिए उसको रिटर्न, ठीक है। सो देखते हैं अभी वो क्या बोलता है, इसको देख के आ गया है डिलीवरी वाला। ओपनिंग करो कुछ नहीं इतना नहीं ना ना भाई, एमिति जिनस फर्स्ट टाइम बाहर ला अमेज़न पे, 7,000 टंकर हेलमेट मगे छे एटा आसी बाबू जो केमती मुंडो गरम ही जीवो। मुँ पूरा सेथिपाई अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊली देखा बेले बाहर ठीक कर मोर भी टेनस ना आधे आप भी जो कंप्लेन दे भल कम्प्लेन दे बिना भेरीफाए मोर कम्प्लेन अच्छे मोर टेनस भी ना कि मो पर कम्प्लेन पड़ोनि पूरा अरे देखिक एक्चुअली कर कथा ना आल थे जान अमेजन रम पूरा सिल थे मुझे खोलि मानने जी चोरी को मैंने नहीं कि सिल मारी सी भी ताकि स्टिकर अच्छे 500 ଟଙ୍କାର ବି ସେ ୟୁଜ ଦେଇଛି ପୁଣି 7,000 ଟଙ୍କାର କୁଆଡେ ମଗେଇଥିଲି।